I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. कहीं से भी किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर जल्द से जल्द हमारी बेटी की शादी करवा दो। जल्द से जल्द सूरज। माँ, पल्लो की शादी तो हमारा सबसे बड़ा सपना है, ऐसे कैसे जल्दी में? हम कुछ नहीं जानते, ये शादी हो जानी चाहिए। अगर ये इसी हफ्ते में होती है तो इसी हफ्ते में। वो हंसती है, गाती है, मगर अब भी उसके सीने में वो आग जलती है जिसे बुझाए बगैर ये मां सो नहीं सकेगी। इतना याद रखना। इंदर, इनमें से बताना तेरी पसंद कौन सी। हाँ, मुझे मत पूछो और किसी से मत पूछो। मुझे यकीन है जिसे तुम मेरे लिए पसंद करोगी ना, वो सबसे अच्छी होगी। अजीब मुसीबत है। सुनिए, बैठिए ना। क्या बात? मेरी मदद करिए ना पसंद करने में। जी नहीं, आप ही तय करिए। हाँ? आप ही ठीक हो, इसीलिए उसने कहा था कि और किसी से मत पूछना। बाय। अब मैं ठहरिए। मैंने तो पल्लवी को देखा नहीं, पर आपने तो उसे देखा है। उसके जैसे किसी को ढूंढ कर दीजिए ना, मैं पसंद कर लूंगी। चंद्रिका, पल्लवी ने हमारे बेटे के दिल की गहराइयों में जगह ले ली है। वो उसकी आत्मा है। वो उसे छोड़कर यहाँ चला आया है सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहता है। उतनी चाहत, उतना प्यार अगर तुम वापस उसके दिल में भर दो, उससे अच्छा कुछ नहीं। तुम्हें इंदर के लिए पल्लवी जैसी नहीं, उससे भी अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। और याद रहे, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। हमारी गुड़िया की शादी इसी हफ्ते हो सकती है जैसा कि आप चाहती थी। राइट? हे देवी माँ, आज तूने मेरी सारी प्रार्थना और मिन्नतों का जवाब दे दिया। माँ, सोने जैसा लड़का है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो पल्लो। लेकिन सूरज बेटा, लड़का कौन है? अरे माँ, लड़का इतना अच्छा है कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा? और अब तो खुद आ रहा है, खुद ही देख लेना। वो हमारी गुड़िया को जरूर पसंद आएगा और उसे हमारी पल्लू भी। क्यों? फिर तो माँ सिर्फ लड़के देखने की रस्म बाकी रह जाएगी। लेकिन चेची, ये रस्म है किस दिन? अगले इतवार को। माँ, आखिर हमें वो राजकुमार मिल ही गया जो खुद ही आकर हमारी राजकुमारी को ले जाएगा। क्यों? अरे देखो देखो देखो, हमारी परी के तो पर निकल आए। पापा, ये पल्लवी की चैन मेरे पास रह गई है, अब इसे वापस कैसे करेंगे? इंदर, हाय, क्या हाल है यार? हाय। पता चला है कि पल्लवी की शादी तय हो गई है, हमने सोचा तुम्हें बता दें। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है और शादी के बाद पल्लवी हमेशा के लिए वहीं सेटल होने वाली है। इधर ही। मैं चाहती हूँ कि उस लड़की की शादी हो जाए, उससे पहले हम इंदर की शादी करते। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या खुद हम जाकर ये चेन लौटा नहीं सकते? क्यों? क्यों? मैं
पल्लवी को देखना चाहती हूँ। वो लड़की जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया, पल्लू, उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे इंदर के लिए उससे अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। ले चलिए ना मुझे, ये चेन लौटाने के बहाने मैं एक बार पल्लवी को देख लूंगी। फिर देखना, दुनिया के किसी भी कोने से उससे अच्छी लड़की मैं ढूंढ कर लाऊंगी अपने इंदर के लिए। ले चलिए ना। नमस्कार। हम अंदर आ सकते हैं? हमने सुना शादी तय हो गई। इस घर की बेटी, उसकी चेन इंदर के पास रह गई है, हमें अभी भी पता चला है। बस वही लौटाने आप लोगों के पास चले आए, और इंदर की वजह से जो आप लोगों को तकलीफ पहुंची उसके लिए वो आपसे माफी मांग ले। बस इतनी सी बात है, आप अंदर आइए ना, आइए ना। उस दिन जो हम लोगों ने गुस्से में आपको अनाप शनाप बका था, तो सोचा था कि आपसे मिलकर भूल जाने की अर्ज करें। नमस्ते। प्लीज आइए, आप लोग आइए ना, प्लीज आइए। इंदर के माता पिता, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए बैठिए ना। आप मेरे साथ आइए, आइए प्लीज बैठिए। बेटा आप लोग बैठो, बैठो। आओ भाई बैठो, आइए बैठिए। लक्ष्मी, सुधा, देखो तो कौन आया है, जरा वहां जाकर बैठो। अरे पल्लू जी, चाय शरबत कुछ जल्दी ले। हाँ। बैठिए ना। हाँ। बैठिए। शादी वाले घर में आप ही सबसे पहले मेहमान हैं। तारीख तय हो गई जी? शादी की तारीख नहीं, लड़के वाले जल्दी में अगले गुरुवार तक हो जाएगी ना। वो लोग आज ही अमेरिका से आए। अच्छा, ओ पल्लू, पल्लवी किचन इंदर के पास रह गई थी। मेरे बेटे की नादानी की वजह से आप सबको जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भूल जाइएगा सब कुछ। नहीं नहीं, वो सब बातें आप क्यों करें, बेवजह जिससे हम सबको पीड़ा भुगतनी पड़े। बस अब तो यही चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये हादसा भूल जाने की देवी माँ हम सबको शक्ति दे। हमने आपके बेटे को देखा तक नहीं, इनमें से कौन है वो? इंदर, माँ तुम्हें मिलना चाहती है। खुश रहो जी।
कि पल्लवी ने कोई गलती नहीं की, सब दोष मेरा ही था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने हमारी बिटिया हमें लौटा दी, इसके लिए हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेटे, तुम दुखी मत हो ना, जो हुआ सो हुआ, अब कारण जो भी हो। वैसे पल्लो ने हमें राजी कर लिया है कि उसकी शादी के निमंत्रित लोगों में सबसे पहले मेहमान तुम्हारी माँ होनी चाहिए। आप बैठे ना, बैठे। शादी करने आए हो? नहीं। तो फिर क्यों आए हो? चल चलो भागो यहां से। तो हम इजाजत चाहते हैं, यहां आकर आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते, थैंक यू। चलो भाई हम चले। हम चलते हैं जी। आपने हमारी बेटी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप लोग यहां से चले जाएंगे तो हम अपनी बेटी को फूट फूट कर रोते हुए नहीं देख पाएंगे। उसकी शादी है, कम से कम उसे आशीर्वाद तो दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं मैं इसे? कैसे आशीर्वाद दूं मैं इसे? ये मेरी बेटी है ना, तो फिर आप मुझे दे क्यों नहीं देते? मैं इसका जतन करूंगी, दे दीजिए ना मुझे।
ले जाओ उसे और दे दो उसके मन का लड़का उसे। क्या कहा आपने? हाँ, ये बात सिर्फ एक माँ ही कह सकती है। अरे, दिखाई नहीं देता तुम्हें किस तरह वो अपने फटे कलेजे के दर्द को अपनी आंखों में रोक कर चुपचाप खड़ी है। बच्चों, जो वो चाहती है हो जाने दो। माँ, हम भी यही कहना चाहते थे। हाँ माँ, भैया से पहले हम भी यही कहना चाहते थे। पल्लू, बच्ची। हमने तुझे बहुत दुख दिया है नरे। इससे अच्छी लड़की मैं इंदर के लिए कहाँ ढूंढ पाती? क्या खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? हाँ, अरे बुला ले अपनी मोहब्बत को, ले चल चल जा। नहीं, हरगिज नहीं। तुम ऐसे बुला के इसे नहीं ले जा सकते। हम उसे विदा करेंगे सच्चे दिल से। हाँ, लो संभालो हमारी बहनर, लो। ओ हीरो, उड़ा ले अपनी दुल्हन को। अब कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, तुम आजाद हो, ये दुनिया तुम्हारी है। अरे वहां क्या पुतले की तरह खड़े हो? डोली हमने सजा दिया, अब उठाएं भी हम क्या? अरे आओ ना यार। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.